हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम इन माय स्टडी लॉबी। आज मैं आप लोगों को टेंथ क्लास का एनसीईआरटी बताने जा रहा हूं, जिसका चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बहुत सारे सवाल मैंने पिछले वीडियो में अपलोड कर दिया है। आज मैं आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट और सेकंड मैंने पिछले वीडियो में अपलोड कर दिया है। तो ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, टेंथ के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही वैल्यूबल है। इसको यदि हम समझ लेते हैं तो इससे जो है एग्ज़ाम में एक या दो जो भी क्वेश्चन पूछता है उसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मात्र 2-3 ही फार्मूला ऐसा है जिसके आधार पर सारे सवाल जो है हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बनता है। सबसे पहले है कॉमन डिफरेंस, यानी सी डी बराबर क्या होता है, दूसरा पद घटा पहला पद बराबर तीसरा पद घटा दूसरा पद, इस तरह से सी डी हम निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद ए एन निकालते हैं, ए एन बराबर होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, an हुआ। इसके बाद sn कैसे निकालते हैं, sn बराबर n बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये sn का फार्मूला है। और an का फार्मूला क्या बोले हमने, an बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखो ये थर्ड नंबर का सवाल है, थर्ड नंबर का पहला क्वेश्चन जो है उसमें आपको दिया हुआ है कि a बराबर 5, a बराबर 5 और d बराबर 3 और an बराबर 50, तो n तथा sn का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो है आपको पता ही है कि an बराबर क्या फार्मूला होता है, an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है। और यहाँ पर n का वैल्यू हमारा कितना है, कि an का वैल्यू कितना है, 50 है, यानी an का वैल्यू 50 है, n का वैल्यू हमें नहीं दिया हुआ है और a और d का वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो an है, an के जगह पर हम 50 लिख देंगे। 50 इक्वल टू a का वैल्यू कितना है, 5 प्लस n माइनस वन का वैल्यू नहीं है और d का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर हमारा 3। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इस 5 को इसमें माइनस कर देंगे, यानी 50 माइनस 5 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 3 कर देंगे, या 45 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू क्या कर देंगे, 3। और 3 से ही जो है हमारा कट जाएगा कितने बार में, 15 बार में, या एन माइनस वन हमारा क्या हो गया, 15 हो गया, या एन इक्वल टू हो जाएगा 15 प्लस 1 इक्वल टू 16। तो देखो n बराबर क्या निकला हमारा, 16, एक आंसर तो निकल गया। अब किसका मान निकालना है, sn का। तो देखो sn बराबर सूत्र होता है, sn बराबर क्या होता है, n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये sn का फार्मूला है। तो हम लिख सकते हैं एस कितना, 16 इक्वल टू 16 बाय 2 टू इंटू ए का मान 5 प्लस एन का मान 16 माइनस 1 इंटू डी का मान 3 लिख देंगे। ये हो जाएगा हमारा 8, कट करके क्या हो जाएगा, 8 इंटू ये हो जाएगा 5 दूनी 10 जोर कितना हो जाएगा, 15 गुना 3 हो जाएगा। ये हो गया 8 इंटू कितना, 10 जोर 15 45 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 इंटू 55। 8 इंटू 55 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 × 5 = 40, 0 × 4 बच गया, 8 × 5 = 4 = 44, कितना हो जाएगा हमारा, ये 440 एस एन का वैल्यू निकल जाएगा। इसी तरह से दूसरा सवाल भी हम बनाते हैं जो बिल्कुल ईजी है। इसके बाद देखो अगला सवाल हमारा ये है, तीसरा का 2 नंबर का सवाल है और दिया हुआ a इक्वल टू 7 और a 13 इक्वल टू 35। तो d तथा sn का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। यहाँ पर a
और ए 13 का वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पर आपको पहले सूत्र लिखना पड़ेगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ए एन का वैल्यू दिया हुआ है कितना कितना 35, 35 इक्वल टू, और एन का वैल्यू कितना है 13, तो एन का वैल्यू लिखना है आपको 13, ए का वैल्यू क्या लिखना है 7 जोर 13 घटा 1 इंटू डी, या 35 इक्वल टू 7 प्लस क्या हो जाएगा 12 डी, या 35 माइनस 7 इक्वल टू 12 डी, कितना बच जाएगा 15 में 7 जाएगा तो 8 और 2 28, 28 इक्वल टू 12 डी, या डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 28 बटे 12, और इसको 4 से कटाएंगे, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, यानी कितना हो जाएगा 7/3, डी बराबर निकला हमारा 7/3, एक आंसर निकल गया। अब चलो चलते हैं एस एन का वैल्यू निकालते हैं, एस एन इक्वल टू एन बाय 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो एन बाय 2, एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमारा 13 दिया हुआ है, तो एस 13 इक्वल टू 13/2, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है हमारा 7, 2 इंटू 7 प्लस एन का वैल्यू 13 माइनस 1, और उसके बाद डी का वैल्यू कितना निकला 7/3, 7/3 निकला। इसको बंद कर देते हैं, ये हो जाएगा 13/2, ये कितना हो जाएगा 7 × 14 जोर ये 12, 12 गुने क्या हो जाएगा 12 × 7/3, तो 3 से कट जाएगा 4 बार में, हो गया हमारा 13/2, और ये 14 जोर 7 कितना हो जाएगा 27/28 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 13/2, और ये जोड़ करके 8 × 4 = 12 के 2 बाकी 1, 2 1 3 1 4 42, 2 से कट जाएगा कितने बार में 21 बार में, यानी कितना हो जाएगा 13 × 21, तो 13 × 21 चलो इधर कर देते हैं, ये हो जाए 1 3 3 1 छवे द्वितीया 6, और 1 कहें 1 1 2 2 3 7 और 2, कितना हो गया 273। इस तरह से हमें एसएन का वैल्यू प्राप्त हो जाता है। इसके बाद चलते हैं बच्चों अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा थर्ड नंबर का है, और वो दिया हुआ है ए 12 इक्वल टू 37 और डी इक्वल टू 3 है, तो ए तथा एस 12 का मान हमें ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ए एन का फार्मूला लिखना पड़ेगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ए एन का वैल्यू हमें दिया हुआ है 37 इक्वल टू, ए का वैल्यू तो नहीं है ए लिख देंगे, प्लस एन का वैल्यू कितना हो जाएगा एक इक्वल टू वाट है, और एन इक्वल टू है हमारा कितना 12 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 12 - 1, और डी का वैल्यू दिया हुआ है 3, या 37 इक्वल टू ए प्लस कितना हो जाएगा 11 × 3, या 37 इक्वल टू ए प्लस 11 × 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 33, या 37 - 33 इक्वल टू ए, या ए इक्वल टू हो जाएगा क्या हमारा 4, ए का वैल्यू हमें निकल गया कितना 4। इसके बाद एस एस एन बराबर फार्मूला लिखेंगे, एन बाय 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। यहाँ पर एस एन का मतलब एस 12, एस 12 इक्वल टू एन का मान क्या हो गया 12 हो गया, तो 12/2 ये हो जाएगा 2 इंटू ए का मान कितना निकला हमें 4, प्लस एन का मान कितना है 12 - 1, और डी का वैल्यू कितना है
थ्री है, ठीक है। डी का वैल्यू कितना है हमारा, थ्री है। अब देखो ये कितना हो जाएगा, छः बार में ये हो जाएगा छः गुने, ये कितना हो जाएगा चार दुने आठ, जोड़ बारह में एक जाएगा ग्यारह गुना तीन आ जाएगा, ये हो जाएगा छः गुना आठ जोड़ ग्यारह तिया तैतीस आ जाएगा। ये छः गुना कितना हो जाएगा, आठ तीन एक ग्यारह और तीन एक चार फोर्टी वन, ये हो जाएगा एक छवे छः और छः चौके चौबीस, दो सौ छियालीस आंसर आएगा इसका। अब चलते हैं बच्चों अगले सवाल पर। अगला सवाल नंबर फोर्थ है और इसमें दिया हुआ है ए थ्री इक्वल टू फिफ्टीन और एस टेन इक्वल टू वन ट्वेंटी फाइव, तो किसका वैल्यू हमें निकालना है, डी तथा ए टेन का मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ए एन का फॉर्मूला लिखेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और यहाँ पर एन का वैल्यू क्या है, थ्री है। एन इक्वल टू क्या है, थ्री है। यहाँ पर लिखेंगे ए थ्री इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए प्लस एन का वैल्यू तो नहीं है, एन माइनस वन इंटू और उसके बाद क्या, हाँ एन का वैल्यू तो है हमारा यहाँ पर थ्री दिया हुआ, यहाँ पर हम थ्री दे देंगे, इंटू डी का वैल्यू नहीं है इसीलिए डी दे देंगे, और यहाँ पर ए थ्री का वैल्यू कितना है, पंद्रह है, तो यहाँ पर लिखेंगे और फिफ्टीन इक्वल टू ए प्लस टू डी, क्या हुआ फिफ्टीन इक्वल टू ए प्लस टू डी, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब चलते हैं एस टेन बराबर वन ट्वेंटी फाइव जो है उसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं एस एन इक्वल टू एन बाय टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमने क्या किया एस एन का फॉर्मूला लिखा और एन का वैल्यू कितना यहाँ पर टेन है, एन इक्वल टू लिख देंगे टेन, तो एस टेन बराबर क्या हो जाएगा एन बाय टू यानी टेन बाय टू, उसके द्वारा टू ए प्लस एन का वैल्यू कितना लिखेंगे टेन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू हमें नहीं दिया हुआ इसीलिए डी लिख देते हैं, इसको हम जब कटा देंगे तो कितना हो जाएगा पाँच हो जाएगा, तो और एस टेन का वैल्यू क्या दिया हुआ है वन ट्वेंटी फाइव, और वन ट्वेंटी फाइव इक्वल टू ये हो जाएगा फाइव इंटू टू ए प्लस ये क्या हो जाएगा नाइन डी, नाइन डी आ जाएगा, और फाइव से इसको हम कटा सकते हैं कितनी बार में, ये कट जाएगा ट्वेंटी फाइव बार में, तो क्या हुआ ट्वेंटी फाइव इक्वल टू टू ए प्लस नाइन डी, इसको हम सेकेंड मान लेते हैं। अब फर्स्ट और सेकेंड दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो ए और डी का वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगा। अब देखो इसका हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन लिखना है ए प्लस टू डी इक्वल टू फिफ्टीन, क्या लिखना है ए प्लस टू डी इक्वल टू फिफ्टीन, ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट है। और सेकेंड नंबर का है टू ए प्लस नाइन डी, क्या है टू ए प्लस नाइन डी इक्वल टू कितना है ट्वेंटी फाइव, ये हमारा इक्वेशन सेकेंड है, ठीक है। अब देखो बच्चों इसको कैसे हल करेंगे, इसको हम इक्वल टू जब तक नहीं करेंगे तब तक इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। समीकरण फर्स्ट में यहाँ पर ए है और सेकेंड में यहाँ पर टू ए है, तो इसको क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट को हम किससे गुना कर देंगे, ये टू से इसको गुना कर देंगे, और यहाँ पर ए है, ए का मतलब यहाँ पर वन दिया हुआ है, तो यहाँ पर इसको हम वन से गुना कर देंगे, ठीक है। टू से जो गुना करेंगे तीनों टर्म को करेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों टर्म को करेंगे, और वन से जब गुना करेंगे इसको भी हम तीनों टर्म से गुना करेंगे। चलो अब गुना करते हैं दो से, तो क्या हो जाएगा हमारा दो ए जोड़ दो दुनी चार डी बराबर पंद्रह दुनी ये तीस आ गया, और वन से जब गुना करेंगे तो सेम वही चीज़ आएगा, ये भी आ जाएगा टू ए प्लस नाइन डी इक्वल टू ट्वेंटी फाइव। अब क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे बाय सब्सट्रैक्शन,
यानी घटाने पर, घटाने पर तो ये हमारा चिन्ह बदल जाएगा माइनस, ये भी प्लस है, ये भी माइनस, ये भी प्लस है, ये भी माइनस आ जाएगा। ये प्लस टू ए और माइनस टू ए कट जाएगा, ये 4d में 9d घटेगा तो कितना बचेगा माइनस 5d इक्वल टू, ये 30 में जो है 25 जब घट रहा है तो बचेगा 5, और d बराबर हमारा निकल जाएगा 5 बाय माइनस 5, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 1। चलो अब d का वैल्यू तो हमें निकल गया, अब क्या निकालना है, a tan का वैल्यू निकालना है। ये तो a tan का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम an का फॉर्मूला लिखेंगे, an बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और n का वैल्यू कितना लिखेंगे हम 10, तो हो जाएगा a tan बराबर, ये हो जाएगा a का वैल्यू कितना है नहीं निकला है, a का वैल्यू नहीं निकला है, इसके लिए क्या करेंगे समीकरण फर्स्ट में d का मान जब हम रख देंगे तो a का वैल्यू हमें निकल जाएगा। ठीक है, तो यहीं पर लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से सबसे पहले फर्स्ट लिखेंगे a प्लस टू डी इक्वल टू 15, और a प्लस टू इंटू डी का मान अभी निकला माइनस वन, माइनस वन इक्वल टू 15, और a माइनस टू इक्वल टू 15, और a इक्वल टू हो जाएगा 15 प्लस टू, और a इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 17। अब चलो a और d दोनों का वैल्यू निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम a और d का वैल्यू रख देंगे, और n का वैल्यू हमें दिया हुआ ही है 10, तो a का वैल्यू कितना निकल गया हमारा 17 प्लस n का वैल्यू 10 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना लिखें माइनस 1, चूँकि d का वैल्यू क्या है माइनस 1, ये हो जाएगा 17 प्लस 9 इंटू माइनस 1 इक्वल टू आ जाएगा 17 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 9 इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो a tan का वैल्यू कितना निकल गया 8 निकल गया। इसके बाद चलते हैं बच्चों अगले सवाल पर। अगला सवाल 5 नंबर का है, और उसमें दिया हुआ है d इक्वल टू 5 और s 9 इक्वल टू 75, तो हमें किसका वैल्यू निकालना है a और a 9 का मान निकालना है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है d बराबर 5 और s 9 इक्वल टू 75, यानी हमें एस एन फार्मूला का उपयोग करना है, यानी एस एन बराबर लिखेंगे n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे, और यहाँ पर एस एन एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 दिया हुआ है, एस 9 इक्वल टू हो जाएगा 9 बाई 2 इंटू a का वैल्यू तो नहीं है 2a लिख दिए, प्लस n का वैल्यू 9 है, 9 माइनस 1, और d का वैल्यू क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। चलो सब का वैल्यू हम पुट कर दिए, और s 9 का वैल्यू क्या है हमारा 75 इक्वल टू 9 बाई 2, ये हो जाएगा 2a प्लस ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 5 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, और 75 इक्वल टू 9 बाई 2, ये 2a प्लस 8 इंटू 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये 9 बाई 2 को इसमें हम बटे कर सकते हैं, चलो तो और लिख सकते हैं 75 बाय 9 बाय 2 इक्वल टू 2a प्लस 40, और 2a ऊपर आ जाएगा वो हो जाएगा कितना 75 इंटू 2 बाय 9 इक्वल टू 2a प्लस 40, और 150 बाई 9 इक्वल टू हो जाएगा 2a बाय 40, और 150 बाय 9 माइनस 40 कर देंगे, चूँकि इधर प्लस है, इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2a,
और इसका चलो एलसीएम निकाल लेते हैं, 9 आ गया, ये हो जाएगा 150 माइनस ये 9 चौके 36, 360 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2a। और अब देखो ये माइनस में आ जाएगा हमारा माइनस, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 का 0 हो गया, ये 6 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा 1, और उसके बाद 3 में 1 जाएगा तो बचेगा 2/9 इक्वल टू 2a। ठीक है, तो 2 से इसको हम कटा भी सकते हैं, वो हो जाएगा 105 हो जाएगा, और a बराबर क्या हो जाएगा -105/9 हो जाएगा। तो इसको हम किससे कटा सकते हैं, 3 से कटा सकते हैं, 3 तिया 9 और 3 पचे 15 कितना हो गया -35/3। a का वैल्यू हमें निकल गया। अब a9 का वैल्यू निकालना है, इसका मतलब an का सूत्र लिखना है, an बराबर a+n-1 × d, और n इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 9, तो a9 इक्वल टू हो जाएगा, a का वैल्यू तो निकल गया -35/3, और प्लस n का वैल्यू कितना 9-1, और d का वैल्यू क्या है यहाँ पर देखना है, डी का वैल्यू हमें दिया हुआ है 5, यहाँ पर क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे, और ये हो जाएगा -35/3 प्लस ये हो जाएगा 8 × 5। ठीक है, 8 × 5 ये हो जाएगा -35/3 और प्लस हो जाएगा 40। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 40 आ जाएगा, तो इसका एलसीएम 3 हो जाएगा, -35/120 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 120 आ जाएगा, यानी कि 120 में कितना घटाना है हमें 35 घटाना है, यानी कितना 120 में कितना माइनस करना है 35, तो 10 में 5 जाएगा 5 आ जाएगा, यहाँ पर 11 बचा, 11 में आपका 3 जाएगा तो बचेगा 8, कितना हो जाएगा वो हो जाएगा, और a9 बराबर हमारा हो जाएगा कितना 85, चूँकि 120 में 35 घट रहा है इसीलिए प्लस पॉइंट आएगा 85/3 आएगा, ये हमारा a9 का वैल्यू। इसके बाद देखो बच्चों अगला सवाल 6 नंबर का है, यहाँ पर दिया हुआ है a=2 और d=8 और sn=90 यानी 90, तो n तथा an का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मेन तथ्य है sn जो दिया हुआ है 90, तो sn का फार्मूला हमें लिखना है, sn इक्वल टू क्या होगा हमारा n/2 × 2a+n-1 × d। चलो sn का फॉर्मूला मैंने लिख दिया, sn का वैल्यू कितना है 90 लिखना है यहाँ पर, और 90 = n का तो वैल्यू हमें दिया हुआ नहीं है, n/2 लिख देते हैं, और 2a 2 × 2 + n का वैल्यू नहीं है इसीलिए n-1 दे दिया, इसका d का वैल्यू कितना है 8 है, और 90 = हो जाएगा n/2, ये कितना हो जाएगा हमारा 4 + n-1 × 8। यहाँ पर देखो n का वैल्यू तो हमें दिया हुआ नहीं है इसीलिए n का वैल्यू हर हालत में हमें निकालना है, इसके लिए अगला प्रोसेस लगाते हैं, इसको यदि इसको क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे, और 90/n/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 4+n-1 × 8। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 ऊपर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 90 × 2/n = 4
प्लस, चलो इसको n से गुना कर दो, 8n माइनस क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। अब देखो ये क्या हो गया, 180 बाय n इक्वल टू 4 में 8 जा रहा है, क्या बचेगा हमारा, माइनस 4 और प्लस 8n। अब इसको क्या करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से गुना कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा 180 इक्वल टू माइनस 4n माइनस 4n और प्लस 8n स्क्वायर। अब 180 को हम क्या करेंगे, इधर लाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, अब सबसे पहले लिखते हैं और 8n स्क्वायर माइनस 4n, देखो 8n स्क्वायर पहले हमने लिखा, उसके बाद माइनस 4n और 180 जो है इधर आकर के माइनस हो जाएगा, माइनस 180 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 जब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दुनी 8, 2n स्क्वायर माइनस n और माइनस 4 से कितने बार में, 4 चौके 16 और उसके बाद 4 पंचे 20 यानी 45 इक्वल टू 0 और 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0 बाय 4 हो जाएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो बच्चों कि ये जो है हमारा द्विघात समीकरण का रूप आ गया, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0, यानी क्या आया हमारा, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0 आ गया। इससे हम d पहले निकालेंगे, उसके बाद एक्स वाई का यानी अल्फा बीटा निकालेंगे, इस तरह से निकाल सकते हैं, अथवा इसको हम गुणनखंड के द्वारा भी n का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। आपको, आप लोगों को हम बता चुके हैं कि गुणनखंड कैसे निकालते हैं, शुरू और लास्ट वाले को गुना करते हैं, जैसे 45 गुना 2 कितना हो जाएगा, कैसे गुना करेंगे देखो, गुणनखंड कैसे करते हैं, गुणनखंड ये माइनस 45 और गुना 2 n स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा, 45 दुनी 90 n स्क्वायर, वो भी माइनस में आएगा, माइनस 90 n स्क्वायर हो गया, इन दोनों को गुना करेंगे और यहाँ पर माइनस n पूरा करना है, तो यदि हम इसको दें कि प्लस 9n और माइनस 10n, अब देखो प्लस 9n माइनस 10n इक्वल टू माइनस n हो जाता है, और इन दोनों को जब गुना करेंगे तो ये टर्म हमारा पूरा हो जाता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे n के जगह पर, यहाँ पर लिखेंगे 2n स्क्वायर प्लस 9n माइनस 10n माइनस 45 इक्वल टू 0, और इन दोनों में कॉमन क्या आएगा हमारा, n कॉमन आएगा, तो बचेगा हमारा 2n प्लस 9 और यहाँ पर माइनस क्या आ जाएगा, 5 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2n प्लस हो जाएगा 9 इक्वल टू 0, और एक हो जाएगा 2n प्लस 9 फर्स्ट टर्म और दूसरा हो जाएगा n माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देखो जब 2n प्लस 9 इक्वल टू 0 करेंगे तो 2n इक्वल टू हो जाएगा माइनस 9 और n इक्वल टू हो जाएगा माइनस 9 बाय 2, और जो माइनस 9 बाय 2 जो माइनस में वैल्यू निकला उसको हम अमान्य मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं, क्योंकि हमारा जो है n का वैल्यू माइनस में नहीं निकलेगा। अब दूसरा टर्म है n माइनस 5 इक्वल टू 0, जब n माइनस 5 इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 5, ये हमारा वैल्यू जो है सेटिस्फाई करेगा, n का वैल्यू क्या निकल गया हमारा, 5 निकल गया, n इक्वल टू क्या निकला, 5। ठीक है, अब किसका मान निकालना है, ए एन, तो ए 5 का वैल्यू निकालना, ए 5 बराबर n बाय ए क्या होगा, n इन क्या सूत्र होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और n का वैल्यू क्या लिखेंगे, 5, और a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 2 है,
तो टू प्लस यहाँ पर फाइव माइनस वन, और डी का वैल्यू हमें क्या दिया हुआ है, डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एट, यहाँ पर लिख देंगे एट लिख देंगे, ये हो जाएगा टू प्लस फोर में फाइव में वन जाएगा तो बचेगा फोर इंटू एट, तो कितना हो जाएगा दो जोड़ आठ चौके बत्तीस, ये क्या हो जाएगा थर्टी फोर, हमारा ये ए फाइव का वैल्यू निकल जाएगा। चलो अब चलते हैं बच्चों अगले सवाल, सवाल नंबर ये हमारा सेवन है, ये है ए ए इक्वल टू एट और ए एन इक्वल टू सिक्सटी टू और एस एन बराबर टू टेन यानी दो सौ दस है, तो एन और डी का मान हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पर मेन फंक्शन क्या है एस एन का है, एस एन और ए एन का फंक्शन है, ठीक है, तो सबसे पहले चलो ए एन बराबर क्या है, पहले एस एन से हम निकालते हैं, एस एन बराबर फार्मूला लिखते हैं, एस एन बराबर क्या होता है एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो यहाँ पर एस एन का वैल्यू तो नहीं दिया हुआ है, यहाँ से हम एन का वैल्यू निकाल लेंगे, एस एन का वैल्यू कितना है 210, यहाँ पर और लिखना है 210 इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू इंटू ए का वैल्यू 8 है प्लस एन का वैल्यू नहीं है इसीलिए, और डी का वैल्यू भी नहीं है इसीलिए डी लिख देते हैं, और 210 बराबर हो जाएगा एन बाई टू, ये हो जाएगा 8 दुनी 16 माइनस एन माइनस वन, और उसके बाद क्या डी का वैल्यू तो नहीं है, चलो डी ही लिखो, इससे हम डी का वैल्यू निकाल सकते थे, हालांकि इसको जैसे ए एन बराबर क्या सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो यहाँ पर जो है यहाँ से हमें एन का वैल्यू निकल जाएगा, इसका वैल्यू कितना है 62 इक्वल टू एक, अब देखो बच्चों ए एन का वैल्यू रख दिए कितना 62, ये कितना है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मान कितना है 62, और ये टर्म हम हमको यहाँ लाना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए जो है यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर आपको ये करना पड़ेगा ये इक्वल टू हो जाएगा एन बाई टू, ये हो जाएगा ए टू ए है तो इसको हम लिखेंगे ए प्लस ए, तो ये हमारा टू ए हो गया, उसके बाद ये सारे चीज़ लिख देंगे प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ये जो है हमारा 62 के बराबर है, ठीक है, किसके बराबर है 62, और एस एन का वैल्यू कितना है 210, और 210 बराबर हो जाएगा एन बाई टू, ये हो जाएगा ए प्लस ये क्या हो जाएगा ए एन, अब देखो और 210 बराबर एन बाई टू ए प्लस ए एन का वैल्यू हमें कितना है 62 है, और 210 बराबर या बटे इसको भी कर सकते हैं, इसको ए का वैल्यू तो हम लिख सकते हैं, ए का वैल्यू कितना है 8 है एन बाई टू एट जोर 62 लिख सकते हैं, और 210 बटे एन और यहाँ पर दो से गुना हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, और 70 एन एन इक्वल टू हो जाएगा 210 गुना दो, और इसको कटा देंगे कितने बार में 27 यानी तीन बार में कट जाता है, एन बराबर क्या निकल गया हमारा 6 निकल गया, एन बराबर 6 निकल गया, तो यहाँ पर जो है एन का वैल्यू हम रखेंगे तो डी का वैल्यू निकल जाएगा, और 62 इक्वल टू ए का मान 8 है प्लस एन का मान 6 माइनस 1 इंटू डी लिख देंगे, और 62 इक्वल टू 8 प्लस क्या हो जाएगा 5D, और 62 माइनस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5D, और कितना हो जाएगा 62 में जब 8 घटेगा 12 में 8 जाएगा 4, इधर फिर क्या हो जाएगा
फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइव डी, फाइव डी और डी इक्वल टू हो जाएगा 54/5। ये है किसका मान निकला, डी का मान निकला और एन का मान निकला। जो हमें ये एन का मान निकल गया और डी का मान निकल गया जो क्वेश्चन में हमें मांग रहा है, ठीक है, ये एन का वैल्यू हुआ। इसके बाद देखो ये एक नंबर का सवाल है बच्चों, उससे थोड़ा भिन्न है लेकिन प्रोसेस वही है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस क्या है क्वेश्चन में, ए एन बराबर हमारा 4 है और डी बराबर 2 है और एस एन बराबर -14 है, तो एन और ए का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये देखना है, सबसे पहले एस एन को लेकर के चलते हैं, एस एन बराबर क्या सूत्र है, एन बाय 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या है, d है, ठीक है। और एस एन का वैल्यू कितना है, -14 बराबर एन बाय 2, ये है 2a प्लस एन माइनस 1, एन माइनस 1 तो नहीं दिया हुआ है, इसको लिख देते हैं, d का मान हमें दिया हुआ है, ये हो जाएगा -14 बराबर क्या हो जाएगा, एन बाय 2 इंटू 2a प्लस 2n माइनस 2 आ जाएगा। और n बाय 2 को जब इधर लाएंगे तो -14/n, यहाँ पर 2 आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2a प्लस 2n माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, या ये हो जाएगा -28/n बराबर, और -28/n बराबर ये क्या हो जाएगा, 2a प्लस 2n माइनस 2। यदि इसको हम n से गुना कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, -28 इक्वल टू n इंटू 2a प्लस 2n माइनस 2 हो जाता है, ठीक है, 2n माइनस 2 हो जाता है। अब देखो इसको यदि गुना करेंगे तो हो जाएगा क्या, -28 बराबर हो जाएगा, -28 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये n से जब गुना करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 2na प्लस 2n स्क्वायर और ये हो जाएगा -2n, ठीक है, -2n। इसको चलो फर्स्ट मान लेते हैं, अब चलते हैं, वो जो दिया हुआ है an बराबर 4, an बराबर क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो एन का सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू लिख देंगे हम 4। यहाँ पर ए प्लस एन का भी मान नहीं है तो इसको क्या करें, चलो एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं। अब यहाँ पर हमें किसका मान निकालना, ए का वैल्यू यदि यहाँ पर निकल जाता है तो यहाँ पर हम रख सकते हैं तो n का वैल्यू हमें निकल जाएगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा हमारा, d का वैल्यू तो दिया हुआ नहीं है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, n 4 माइनस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, d। एक इसके बाद देखो बच्चों, यहाँ पर जो है हमें d का मान हमें दिया हुआ है 2, इसका यहाँ पर d का वैल्यू हमें पुट करना है, और a इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू क्या लिख देंगे, 2, और a इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 2n और प्लस हो जाएगा 2। क्यों हो जाएगा प्लस, चूँकि ये माइनस जब ब्रैकेट से तोड़ेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, और a प्लस 2n इक्वल टू क्या हो जाएगा, और a इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये 6 माइनस 2n आ जाता है, a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2n, और ये a का वैल्यू हमें समीकरण फर्स्ट में पुट करना है, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में ए का मान रखने पर। अब देखो समीकरण फर्स्ट क्या है हमारा, -28 क्या है,
माइनस 28 इक्वल टू 2na, 2n और a का वैल्यू है 6 माइनस 2n। यहाँ पर देखो 2n a का वैल्यू क्या लिखे, 2n इंटू 6 माइनस 2n प्लस 2n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर माइनस 2n। ठीक है, बस इतना ही है। अब इसको एज ए इक्वेशन के रूप में बनाना है, उसके बाद इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो इसके बाद क्या होता है, ये हमारा हो जाएगा माइनस 28 माइनस 28 इक्वल टू हो जाएगा, इसको 2n से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दुनी 12n और फिर माइनस 2 दुनी 4n, ठीक है, प्लस 2n स्क्वायर माइनस 2n और माइनस 28 बराबर हो जाएगा 12n में कितना घट रहा है 2n, क्या बचेगा 10n और 10n। यहाँ पर देखो 12n में 4n माइनस माइनस 4n माइनस 2n तो क्या हो जाएगा माइनस 6n घट रहा है, तो इसको घटा देते हैं तो बचेगा कितना 6n बचेगा और प्लस 2n स्क्वायर हुआ और इसको माइनस को इधर ले आते हैं जब क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 6n और प्लस 28 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसको यदि समीकरण का रूप लेते हैं तो क्या 2 कॉमन ले लेते हैं n स्क्वायर प्लस 3n प्लस कितना हो जाएगा 14 इक्वल टू 0। हाँ तो देखो बच्चों ये जो है इसको जब 2n से इसको जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 दुनी 12n और माइनस 2n गुना 2n माइनस 4n स्क्वायर यहाँ पर हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस 4n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर माइनस 2n। ठीक है, तो अभी यहाँ पर सॉल्व करो तो देखो यहाँ पर 12n में कितना घट रहा है 2n तो कितना बच जाएगा हमारा, यहाँ से थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ, यहाँ पर से देखो 12n में 2n घटेगा तो कितना हो जाएगा 10n। ठीक है, अब देखो 10n ये हुआ और इसके बाद 2n स्क्वायर में 4n स्क्वायर घट रहा है तो माइनस 2n स्क्वायर बचेगा। अब देखो इसको जब हम इधर लाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, पहले लिखते हैं माइनस 2n स्क्वायर प्लस 10n और प्लस 28 इक्वल टू 0, तो माइनस 2 यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा n स्क्वायर और माइनस 5n और ये फिर बचेगा माइनस 14 इक्वल टू 0 और n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0 बाय माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये जो है एक समीकरण का रूप आ गया, यानी कि इसको हम गुणनखंड करके n का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो 14n स्क्वायर इसको जब गुना करेंगे n स्क्वायर गुना घटा 14 तो क्या हो जाएगा माइनस 14n स्क्वायर, 14 माइनस 14n स्क्वायर का है शुरू और लास्ट वाले को जब गुना करते हैं तो हो जाएगा माइनस 14n स्क्वायर और यहाँ पर माइनस 5n पूरा करना है तो माइनस 5n पूरा करने के लिए क्या करेंगे प्लस 2n माइनस 7n कर देंगे। अब देखो 5n में 7n घट रहा है तो माइनस 5n बचेगा और इन दोनों को जब गुना करेंगे तो हमारा ये टर्म आ जाता है माइनस 14n स्क्वायर। तो यहाँ पर 5n के जगह पर क्या लिखेंगे n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 7n माइनस 14 इक्वल टू 0 और यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं n तो होगा n प्लस 2, यहाँ पर माइनस 7 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा n प्लस 2 इक्वल टू 0, n प्लस 2 और क्या हो जाएगा n माइनस 7 इक्वल टू 0। जब n प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा तो n इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2, इसको क्या करते हैं हम अमान्य मानते हैं, क्यों मानते हैं क्योंकि ये माइनस में हमारा वैल्यू है और जब n माइनस 7 इक्वल टू 0 करते हैं तो n बराबर हो जाएगा हमारा 7, यही वैल्यू जो है n का हमें निकालना है। तो n का वैल्यू हमें निकल गया, उसके बाद किसका वैल्यू निकालना है हमें a का वैल्यू निकालना है। तो समीकरण a में यदि n का मान हम लिख देंगे
तो हमारा क्या निकल जाएगा, ए का वैल्यू निकल जाएगा। यानी समीकरण सेकेंड में एन का मान रखने पर, सेकेंड में एन का मान रख देंगे तो ए बराबर हमारा हो जाएगा 6 - 2n है, और 6 - 2 गुना एन का वैल्यू कितना निकल गया, 7 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 - 7 × 14, तो 6 में 14 कटेगा तो कितना बचेगा, -8। ये हमारा ए का वैल्यू है, और एन का वैल्यू जो है ये हमारा 7 है। इसके बाद देखो बच्चों, ये 9th नंबर का सवाल है, a = 3, n = 8 और Sn = 192, तो D का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। इसमें सिर्फ एक ही फार्मूला Sn का उपयोग करना है, यानी Sn बराबर क्या हो जाएगा, n/2 (2a + n-1)(D). यहाँ पर हमें A और N का मान दिया हुआ है, D का मान हमें निकालना है, और Sn का वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि 192 = लिखेंगे n = यहाँ पर क्या है हमारा 8 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 8/2, यहाँ पर 2 × a का मान 3 प्लस यहाँ पर 8 - 1 × D का मान नहीं है, तो यहाँ पर इसको हम कटा सकते हैं 4 बार में 192, और 192 = 4 * ये हो जाएगा कितना 6 + 7D। और इसको हम 4 से भी कटा सकते हैं, कितना 4 × 16, 16 × 3 = 19, 4 × 8 = 32, यानी कितना हुआ 48 = 6 + 7D, और 48 - 6 = 7D, और कितना हो जाएगा 18 में 6 जाएगा, नहीं ये हमारा 8 में 6 जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2, यानी 42 = हो जाएगा 7D, और 7 से इसको हम 6 बार में कटा सकते हैं, और D = कितना निकल गया हमारा 6, जो क्वेश्चन में हमें मांग रहा है। देखो बच्चों, ये सवाल है हमारा L = 28, S = 144, और कुल 9 पद हैं, तो A का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। कुल कितना पद है, 9 पद है, यानी ये देखो यहाँ पर an बराबर क्या होता है, a + n - 1 × D, और an को ही हम लास्ट पद यानी l कहते हैं, l बराबर होगा a + n - 1 × D, जिसका वैल्यू कितना है 28 है। अब यहाँ पर देखो Sn बराबर क्या होता है, n/2 (2a + n-1)(D) होता है, यहाँ पर n का वैल्यू कितना है 9 है, तो S9 = क्या हो जाएगा हमारा, S9 = हो जाएगा हमारा n/2 यानी 9/2, इसको हम लिखेंगे a + n-1 × D लिखेंगे, और a + a - 1 × D इसका वैल्यू क्या है हमारा, वो l के बराबर है, यानी 28 है। यहाँ पर हम लिख देंगे 144 = 9/2 a + ये क्या लिख देंगे हम, l लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा हमारा, इसको हम 9 से कटा देंगे, कितना कितना बार में कटेगा, 9 × 1 = 9, 5 = 14, तो कितना हो जाएगा 9 × 6 = 54, यानी 16 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 16 × 2 = a + l का वैल्यू कितना है हमारा 28 है, और 32 = a + 28, और a = क्या हो जाएगा 32 - 28, यानी कि 8 × 32, 32 में हमारा 8 जा रहा है, 28 जा रहा है, 12 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा 4, यानी a का वैल्यू कितना निकल गया बच्चों, 4 निकल गया। तो आज जो है 3 नंबर का 200 क्वेश्चन मैंने हल कर दिया, और आप जो है इसको देख करके है ना, समझ करके कम से कम सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, धन्यवाद।